समाज सेवा में इनकी रुचि रही है और ये कहते हैं बहुत ही हुड्डा साहब के भी काफ़ी विश्वास पात्र रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए भी, हुड्डा साहब के लिए भी। जब कभी इनकी किसी रूप में कोई जिम्मेदारी लगती है तो ये हमेशा उसको भी निभाते हैं, तो एक सामाजिक बहुत ही अच्छी इनकी भूमिका रहती है पूरे इलाके में। और ये एक प्रशंसा के योग्य कार्य है क्योंकि बहुत से व्यवसायी अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्ति के बाद वो अपने गांव, शहर, अपने लोगों को जो है भूल जाते हैं या उतना नहीं करते इतना करना चाहिए। तो इसीलिए सरकार ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कानून भी लेके बनाना पड़ा, मगर अगर ऐसे सारे हो जाएं तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कानून बनाने की जरूरत ही नहीं। ये आज मैं समझता हूँ एक विशेष कार्यक्रम की से बधाई, शुभकामनाएं मुख्यमंत्री। ये प्रतीक इस बात का कि हरियाणा प्रदेश में लोग बदलाव चाहते हैं, हरियाणा प्रदेश में लोग इस सरकार से जो है इस सरकार की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं, और हर वर्ग आज कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है क्योंकि बड़े बहुमत के साथ सरकार पहली बार बनी, दूसरी बार भी हालांकि 75 पार के नारे की तो हवा निकल गई थी, लेकिन दो पार्टियों का अनैतिक गठबंधन हुआ, दोबारा से इनको मौका मिला, लेकिन आज 9 साल का जो है सरकार का कार्यकाल सबके सामने है और उस विफलता का प्रतीक जो बेरोजगारी देश में नंबर 1 पे पहुंच गई, भ्रष्टाचार आज हरियाणा के अंदर जो है बड़े बड़े घोटाले निकल के आ रहे हैं, बिजली खरीद घोटाले से लेकर शराब घोटाले तक। आज प्रतीक इस बात का है कि केवल अपने जो है भ्रष्टाचार को अंजाम ये चला पहुँचाने का काम इन लोगों ने किया जो आज सत्ता में बैठे। लोग त्रस्त हैं, लोग बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ आशा भरी नज़र से देख रहे हैं, तभी हर प्रदेश के हर हिस्से से, हर जो है वर्ग से आज लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हैं। सरकार की इससे ज़्यादा क्या दुर्भाग्य की बात हो सकती है। एक तरफ तो नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज बेटी गुहार कर रही है, और दूसरी तरफ हरियाणा खिलाड़ियों का, खेलों के मान से खिलाड़ियों के सम्मान का प्रतीक प्रदेश था। दोनों ही जो हरियाणा के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और खिलाड़ियों के सम्मान का जो है आज दोनों नारों को का खोखले दिखाई दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी जिस मैं समझता हूँ कि अहंकार से उसका जो खेल मंत्री हैं उनका हमेशा पक्ष रखते हैं, तो ऐसे में कौन निष्पक्षता से जांच करेगा भाई। जांच एजेंसी प्रदेश सरकार के अंतर्गत है, मुख्यमंत्री जी तो क्लीन चिट दे रहे विधानसभा में खड़े होकर, तो मुख्यमंत्री जी कल को इस बात का सर्टिफिकेट देंगे क्या प्रदेश में कि कौन किसी के साथ छेड़छाड़ करता है कि नहीं करता है। कोई छेड़छाड़ करता है तो बीजेपी का कोई कार्यकर्ता है तो उसको मुख्यमंत्री जी पूरी उनको फ्री हैंड दे रहे, उसका ये संदेश जा रहा है, बहुत गलत संदेश गया है। हम मांग करते हैं कि संदीप सिंह जी को बर्खास्त करो और उसके बाद या उनका इस्तीफा लिया जाए और उसके बाद निष्पक्ष जांच हो, जांच में जो भी सामने आए उसके आधार पर जो है, मगर नैतिकता के आधार पर उनको पहले दिन ही इस्तीफा दे देना चाहिए था और मुख्यमंत्री जी को उनको बर्खास्त कर देना चाहिए कैबिनेट से।